दोस्तों पेट गुरु में आज हम आपको कांकरिया जू घुमाने वाले हैं और हर एक जानवर को बिल्कुल नज़दीक से दिखाने वाले हैं। कांकरिया जू में दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले रूपा का बाड़ा आपको सामने दिखेगा जो हथनी है। वैसे भारत के हर एक जू से दोस्तों धीरे धीरे हाथियों को हटाया जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद जू ने स्पेशल परमिशन लेकर हाथियों को रखा हुआ है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जू के ऊपर बात करेंगे कि जू का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कल्चर में, हमारी इकोसिस्टम में, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि जू एक जेल है, तो वो सारी बात आज के एपिसोड में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आप पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और सभी जानवरों को बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊँगा और आप लोगों को मैं शेर के पिंजरे के बाड़े के अंदर जाकर शूटिंग दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पूरे नज़ारे और मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी हम जैसे ही रूपा हथनी के सामने का बाड़ा जो है, दूसरा वो अफ्रीकन हिपोपोटेमस का है जो भारत में नहीं पाया जाता, सिर्फ अफ्रीका उपमहाद्वीप में पाया जाता है। तो दोस्तों जू से फ़ायदा ये होता है कि पूरे विश्व के अलग अलग जानवरों को आप एक ही जगह पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल क्लास के लोग भी उनके मज़े ले सकते हैं, उनको पूरे विश्व में खर्चा नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं रहता। अब दोस्तों आप वाइट टाइग्रेस देख रहे हैं जो अहमदाबाद जू में है, और दोस्तों बता दूं वाइट टाइगर जो है कभी जो है जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता, ये एक कलर डिफिशियंसी से पैदा हुआ जानवर है। चलिए अब दोस्तों जैसे ही वाइट टाइगर से नेक्स्ट बाड़े में आप जाएंगे तो आपको प्रोक्यूपाइन देखने को मिलेगा। ये इंडिया, अफ्रीका, एशिया में हर जगह पाया जाता है। इसके ऊपर कोई भी जंगली जानवर हमला करने से पहले दो बार ज़रूर सोचेगा। दूसरा दोस्तों मैं फ़ायदा आप लोगों को बताता हूँ कि जू होने से अगर कोई जानवर बीमार होता है तो नज़दीकी जू में उसको शिफ्ट किया जाता है रेस्क्यू करने के बाद, जहाँ उसकी देखभाल के बाद वापस उसको जंगल में छोड़ा जाता है। अभी आप इनको जेकल्स को देख रहे हैं दोस्तों, ये लोमड़ी नहीं है, ये जेकल हैं, सियाड़ हैं, काफ़ी लोग इसको लोमड़ी कहते हैं। तो ये गलत बातें ऐसी भी जू में आकर आपकी क्लियर होती कि कौन से जानवर को क्या कहा जाता है। तो एजुकेशन के पर्पज़ से भी दोस्तों जू बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब जैसे ही जेकल के बाड़े के सामने आप देखेंगे तो दोस्तों आपको इम्यू देखने को मिलेगा जो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड ऑन अर्थ है दुनिया का। सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच अहमदाबाद जू के अंदर नहीं है, सुतरमर्ग जिसको कहते हैं वो अहमदाबाद जू में नहीं है। ऑस्ट्रिच यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इम्यू देखने को मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, और ऑस्ट्रिच जो है वो अफ्रीका उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच या इम्यू, आप कहें इम्यू के सामने जस्ट दोस्तों आपको स्पॉटेड डियर्स का बाड़ा है, जिसको हम बाद में वापसी में देखेंगे जब सारे हिरन को छोड़ा जाएगा, और उसके बगल में दोस्तों दूसरा एक सेक्शन है, चलिए वहाँ पर हम चलते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ कि अगर कई बार जो है जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है या एक्सीडेंट हुआ जाता है, तो डीएनए के लिए अगर किसी जानवर की ज़रूरत रहती है तो जंगल से किसी जानवर का डीएनए ना लेकर जू में से ही लोकल जानवर का डीएनए या ब्लड सैंपल या आप कह सकते हैं हेयर सैंपल लेकर कंफर्म किया जाता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ या जो मारा गया जानवर सच में जंगली जानवर था, और था तो कौन सा था। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप दोस्तों स्लोथ बियर देख रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल चीतल हिरन के सामने इनका बाड़ा है। और अब स्लोथ बियर से हम दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ब्लू बुल आपको देखा जाएगा जो पूरे एशिया में आराम से पाए जाते हैं। ये टाइगर और लायन इनका शिकार आसानी से करते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़े होते हैं, हेवी होते हैं। अब ये आप मेल ब्लू बुल देख रहे हैं, आगे हमने फीमेल देखी, ठीक है, यहाँ पर तीनों जो हैं आप मेल को देख रहे हैं। चलिए अब दोस्तों रिटर्न जैसे ही मैं हुआ तो यहाँ पर बाड़े में से सारे हिरन को छोड़ दे रहे हैं, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो इतने नज़दीक से क्या आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगी। तो ऐसे ही वीडियोस दोस्तों देखने, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है कोलकाता जू की, कानपुर जू की, लखनऊ जू की, और गुजरात के ही जूनागढ़ जू की। तो आप सारे जू नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप आगे वापसी की तरफ करेंगे, हथनी के सामने वाइट टाइग्रेस थी, उसके पीछे यहाँ पर एक बूढ़ा बंगाल टाइगर है, इसकी एज काफ़ी हो चुकी है, तो ये आपको इतना एग्रेसिव उसमें नहीं दिखेगा, वरना ये टाइगर अगर मैं इतना पिंजरे के नज़दीक होता तो अटैक ज़रूर करता। अब हम दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे हाथी और हिप्पोपोटामस से,
तो वहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ काफ़ी अलग अलग हिरन की प्रजाति है जो काफ़ी दूर थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन उसके सामने ही सी का ओपन डेक है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और अब मैं ओपन डेक के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जू के इम्पोर्टेंस हमारे इको कल्चर में क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जू में आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो जंगली जानवरों को आप सोचते हैं कि जेल में कैद किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए इनके लिए कितना बड़ा दोस्तों ओपन डेक रखा जाता है जिसमें जनरली उनको छोड़ा जाता है ताकि वो अपनी आज़ादी महसूस कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जंगली जानवर दोस्तों जंगल में से लाकर जू में कभी नहीं रखा जाता। जितने भी जंगली जानवर आप जू में देखते हैं वो जू के एक प्रोग्राम के अंतर्गत एक दूसरे जू के द्वारा एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार अखबारों में पढ़ेंगे कि सिंगापुर जू ने भारत को ये दिया उसके बदले में ये लिया, तो ये इस तरीके से होता है, उसमें पैसे की भी लेन देन नहीं होती है। तो काफ़ी लोग सिर्फ कमेंट्स करते हैं कि इनके लिए जेल है, और जेल भी नहीं है, वो बात मैं बताने के लिए ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए ये दोस्तों ये क्राल कहा जाता है, क्राल में अभी एक लाइनेस और एक लायन को छोड़ा गया है, लायन अभी पानी पी रहा है। और दोस्तों इनका क्या क्या ख्याल रखा जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी गर्मी चल रही है तो इनके लिए कूलर रखा जाता है, ठंडी में इनके लिए गर्माहट के लिए बीच में एक रूम बनाया गया है जहाँ घास वगैरह होता है। देखिए फाइटिंग देखिए, ये नज़ारे आपको कहाँ मिलेंगे। तो जल्दी से नीचे चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी में ऑल ऑप्शन दबा दीजिए। तो ये अभी क्राल में फीमेल बैठी हुई है, क्राल के जस्ट पीछे एक बड़ा कमरा होता है जहाँ गर्माहट होती है, जहाँ पर शायद बच्चे देने पर भी फीमेल वहाँ पर रखी जाती है और वहाँ पर फीमेल को गर्माहट होती है। और तीसरा जो बाड़ा होता है सबसे आगे जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, तब सिंह को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं तब आपको लगता है कि बहुत छोटा पिंजरा है, पर वो आपको दिखाने के लिए रखा होता है। और उसमें भी दोस्तों पूरा जो आगे का बाड़ा है वो पूरा कनेक्टेड होता है, मतलब तीन कमरे का इनका बेडरूम होता है, मतलब तीन रूम कनेक्टेड होते हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आपके प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ओपन डेक होता है, एक क्राल होता है, एक इनको गर्माहट के लिए एक बीच में आराम वाला रूम होता है, और फोर्थ रूम देखिए ये जो आगे देख रहे हैं ये सारे जो पिंजरे ये इनके खाने के लिए पिंजरे हैं, और एक कोने पे एक छोटा सा पिंजरा होगा ये इनके ट्रीटमेंट के लिए इनको अलग करके रखा जाता है, यहाँ पे इनको खाना दिया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जेल के अंदर, अभी यहाँ से देखिए कहाँ तक ये लोग बाहर जा सकते हैं, और पीछे ओपन डेक है तो मैंने पीछे से आपको पहले दिखाया, अब मैं बिल्कुल आगे से जहाँ से आप लोग कभी देखते हैं वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो मेल लायन है वो फीमेल की तरफ जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर जू को एक काम दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों आप सिंह का बाड़ा देखकर नीचे उतरेंगे, फिर से हिप्पोपोटामस की तरफ आएंगे और फिर उससे आप लेफ्ट तरफ आप आगे बढ़ जाना है तो आपको फिर से अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन सिंह के जस्ट बाड़े के सामने हमने जहाँ टाइगर देखा उसके पीछे चलिए तेंदुआ देख लेते हैं। तो ये तेंदुआ है, इसको लोग कोई पेंथर कहता है, कोई लेपर्ड कहता है, कोई चीता कहता है, तो मैं इसका सही नाम बता दूँ दोस्तों, हिंदी में तेंदुआ कहेंगे, गुजराती में दीपड़ा कहेंगे, और इंग्लिश में इसको लेपर्ड कहेंगे, पेंथर नहीं कहेंगे, याद रखें ठीक है। और जेगुआर भी नहीं कहेंगे, जेगुआर अमेरिका में पाया जाता है। तो ये सारे बाड़े कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि यार इनको छोटे से पिंजरे में रखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आधा जू दोस्तों जंगली जानवर हमने कवर कर लिए, अब आधे जू के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मगरमच्छों का बाड़ा देखने को मिलेगा। ये घड़ियाल, अभी फीमेल घड़ियाल सारे आराम कर रहे हैं, और उसी के सामने एक दरियाई मगरमच्छ का रखा हुआ है जिसको मार्स क्रोकोडाइल कहा जाता है, वो भी हम देखेंगे, और बगल में ही टर्टल का बाड़ा भी है। अब दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा था कि हर जू को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि उस जू को एक ब्रीडिंग प्रोग्राम दिया जाता है। तो काकरिया जू में दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इनको आंदोमान निकोबार पिजियन दिया जा रहा है जो वर्ल्ड में विलुप्त होने वाला है, जिसकी ब्रीडिंग यहाँ पर करवाई जाती है। यहाँ 6 से 8 आंदोमान निकोबार पिजियंस में से 30 से 35 किए गए हैं। तो मुझे आप बताइए कि एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि कोई प्रजाति अगर जंगलों में विलुप्त हो गई और वो जू के अंदर हुई और उसकी ब्रीडिंग अच्छे से कैपेटिव कंडीशन में हो रही है, तो हो सकता है उनके आने वाले बच्चों को हम वापस जंगल में पुनः स्थापित कर सके। और एक से एग्जाम्पल फ्यूचर में पहले मकाऊ ब्रीड के लिए आ चुके हैं
जो मकाओ गायब हो चुके थे जंगलों में से, उनको फिलीपाइन से लाकर फिर से जंगलों में आबाद किया गया था। तो आपकी धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है कि ये कैद किए जाते हैं, ये किया जाता है, फलाना ढिमकाना। हर चीज़ के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं और बस भावनाओं में बह के कमेंट करने लगते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार के साथ दोस्तों पेलिकेन के भी ब्रीडिंग होती है, स्टॉक सारस की भी ब्रीडिंग होती है, जो कम हो रहे हैं भारत में, तो इनकी भी ब्रीडिंग यहाँ पर करवाई जाती है। प्लस आपने जैसे मेल लायन और फीमेल लायनेस देखी, उसकी भी ब्रीडिंग यहाँ पर कई बार हो जाती है। वो उनका असाइन टास्क नहीं है, लेकिन कई बार हो जाती है। अब दोस्तों ये केसोवरी बर्ड देख रहे हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बर्ड है और इसको मोस्ट डेंजरस बर्ड भी कहा जाता है। और ये दोस्तों डायनासोर के बिल्कुल नज़दीक माना जाने वाला बर्ड है कि ये डायनासोर काल से पृथ्वी पर है और ये भी विलुप्ति की कगार पर है। अब दोस्तों अंडमान निकोबार कबूतर जिसकी बात कर रहा था, यहाँ पर अलग अलग अंडमान निकोबार कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। बता दूं दोस्तों 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक भारत या भारत में रहने वाली कोई भी प्रजाति आप घर पे नहीं पाल सकते। अंडमान निकोबार कबूतर है या आप पैरोट है या मोर है, किसी को नहीं पाल सकते, वो दंडनीय अपराध है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। ये एरियल कबूतर देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, विदेशी तोते आप पाल सकते हैं, जैसे अफ्रीकन ग्रे है, काकाटू है, बजीज है, फिंचिस है, जावा बर्ड है, ये सारे आप भारत में पाल सकते हैं। और उसमें भी लोग क्रुएलिटी वगैरह वाली कमेंट्स करते, तो मैं कहता हूँ कि अगर कैप्टिव कंडीशन में जो बर्ड पैदा होता है वो कभी बाहर कंडीशन में छोड़ने लायक नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा था मैं आपको कि जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो जू में ही पैदा होते हैं कैप्टिव कंडीशन में, और वो जू में ही ज़िंदगी उनकी पूरी गुजरती है। उनको बाहर के जीवन के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उनको बाहर छोड़ना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मत सोचिए आप लोग। अब दोस्तों एक्जोटिक बर्ड सेक्शन देखेंगे जो भारत में अभी बहुत बढ़ रहा है, और उसके लिए हमारी चैनल बहुत फेमस है, बिकॉज ऐसे ही एक्जोटिक बर्ड के बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। ये काकाटू ऑस्ट्रेलिया का है, ये अफ्रीकन ग्रे देख रहे हैं जो साउथ अफ्रीका अफ्रीका उपमहाद्वीप में पाया जाता है, कोंगो के जंगलों में पाया जाता है। तो दोस्तों इनको भी अगर आप कैप्टिव कंडीशन में रखते हैं तो आप सोचते हैं कि इनके लिए जेल है, नहीं दोस्तों, ये हम इनका असलियत में हम इनका बढ़ावा दे रहे हैं एक पशु प्रेमी की तरीके से। क्योंकि दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि आज बरैया चिड़िया वातावरण से गायब हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसको कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं हो रही। अगर उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती तो आप सोचिए वो कितनी धाकड़ ब्रीड करती, उसको खाने के लिए अनाज मिलता, उसको ब्रीडिंग के लिए सारा मटीरियल मिलता, तो वो ब्रीडिंग करती। ये दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों पिजियंस हमने देखा, आप मोर देख रहे हैं जो पंख खोलने ही वाला है। तो दोस्तों जो बर्ड लवर है वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको कैद नहीं दे रहे, उसको अच्छा खाना देते हैं, अच्छी जीवन देते हैं, और वो बर्ड की ब्रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अभी दोस्तों विश्व में अफ्रीकन ग्रे जितने कैप्टिव में हैं उतने ही उससे भी कम दोस्तों जंगली अवस्था में। तो अगर फ्यूचर में कभी अफ्रीकन ग्रे विलुप्त हो गया तो उसको वापस जंगलों में छोड़ा जाएगा, वो कहाँ से होगा, हमारे जैसे बर्ड प्रेमियों के द्वारा ही। तो आई होप जू का और बर्ड लवर का आप मोटिव जानेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, तो आगे से किसी भी बर्ड लवर को आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जुल्म कर रहा है या क्रुएलिटी। मैं आपको कहूँगा एक बर्ड लवर जो है खुद भूखा रह लेगा, लेकिन किसी अपने परिंची परिंदे को वो भूखा नहीं रखेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और बजीज तोते जो भारत में आसानी से पाले जाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस इसका बनता हुआ जा रहा है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, तो आप इस रोज़गार को ज़रूर सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। बाकी के वीडियोस के लिए आप आई बटन क्लिक करिए या हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करिए।